युगों युगों से पवित्र तीर्थ धाम हरिद्वार का गंगा यज्ञ एवं योग के कारण विश्व भर में धार्मिक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्व रहा है। आज हरिद्वार आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ औद्योगिक नगर के रूप में भी विकसित हो रहा है। हरिद्वार जनपद में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित देश की आजादी के आंदोलन एवं पारंपरिक वैदिक शिक्षा का श्रेष्ठ केंद्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ऋषि संस्कृति के माध्यम से नवयुग की प्रतिष्ठापना के प्रति पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध युग के महान आचार्य श्रद्धेय श्री राम शर्मा के संकल्पों से अनुप्रमाणित देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज संस्कृत विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय जैसे पारंपरिक शिक्षा केंद्र है। वहीं देश के श्रेष्ठ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की भी हरिद्वार जनपद की शोभा बढ़ाता है। हरिद्वार में प्रवेश करते ही करोड़ों करोड़ों भारतीयों एवं विश्व के योग यज्ञ वेद एवं आध्यात्म प्रेमियों की आस्था व विकास के एकमात्र केंद्र पतंजलि योगपीठ के दर्शन होते हैं। योग क्रांति के माध्यम से जन जन को निरोगी निर्व्यसनी निरामिष व चरित्रवान बनाने का पावन अनुष्ठान पतंजलि योगपीठ। रोग का कारण शरीर का आंतरिक असंतुलन तथा भूख व गरीबी का कारण सामाजिक असंतुलन। पतंजलि योगपीठ परिवार व भारत स्वाभिमान एक समता मूलक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान सुखी व शांतिमय राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पतंजलि योगपीठ की ताकत है आप करोड़ों सजग संवेदनशील जागरूक योगनिष्ठ राष्ट्रवादी व अध्यात्मवादी भाई बहन। स्वस्थ विश्व की परिकल्पना और मानव जीवन के उत्थान व स्वस्थ समाज के निर्माण का दिव्य संकल्प जिसने भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में स्वस्थ तन स्वस्थ मन और स्वस्थ चिंतन की अविरल धारा प्रवाहित कर दी। योग आयुर्वेद अध्यात्म और भारतीय वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना के साथ साथ जन जीवन में एक नई स्फूर्ति एक नई चेतना का संचार करने के लिए पतंजलि योगपीठ की स्थापना की गई। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी और आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी के कुशल मार्गदर्शन में योग आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि योगपीठ आज दो चरणों में अपना योगदान दे रहा है। पतंजलि योगपीठ के पहले चरण का 6 अप्रैल 2006 को और दूसरे चरण का 3 अप्रैल 2009 को लोकार्पण हुआ। ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज ने वर्ष 1932 में हरिद्वार की पवित्र भूमि एवं पतित पावनी गंगा के तट पर विश्व ज्ञान मंदिर की स्थापना की जो बाद में कृपालु बाग आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। पूज्य कृपालु देव जी महाराज के कार्यों को उनके सुयोग्य शिष्य वेद वर्मज्ञ पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज ने आगे बढ़ाया। स्वामी शंकर देव जी ने 1995 में अपने शिष्यों स्वामी रामदेव जी और आचार्य श्री बालकृष्ण जी के सहयोग से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और इसी के साथ योग आयुर्वेद और अध्यात्म में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से योग को विश्व पटल पर स्थापित करने वैदिक परंपरा के अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ विविध प्रकल्पों को अनुशासित रूप से संचालित करने के लिए 4 फरवरी 2005 को भारत की राजधानी दिल्ली में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट द्वारा योग विज्ञान शिविरों का आयोजन तथा पतंजलि योग समितियों का प्रबंधन किया जाने लगा। दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग स्थित पतंजलि योगपीठ के प्रथम चरण का उद्घाटन समारोह 6 अप्रैल 2006 को अत्यंत वृहद स्तर पर आयोजित किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत ने पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन किया। इस समारोह में देश के 17 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित संत समाज और अनेक विशिष्ट गणमान्य अतिथि सम्मिलित हुए।
जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही। पतंजलि योगपीठ का बृहद परिसर लगभग 80 एकड़ भूभाग पर फैला हुआ है। योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध एवं उपचार प्रदान करने वाले दुनिया के एकमात्र संस्थान पतंजलि योगपीठ में विश्व का विशालतम बहिरंग चिकित्सा विभाग ओपीडी है। यहाँ प्रतिदिन 6 से 10 हजार रोगियों का उपचार किया जाता है। यहाँ के विशाल अंतरंग चिकित्सा विभाग आईपीडी में 500 बेड की उपलब्धता है। इस संस्थान में 200 से अधिक प्रशिक्षित एवं योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिदिन लगभग 2500 रोगियों को चिकित्सा प्रदान की जाती है। समस्त रोगियों को निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जाता है और निर्धन रोगियों को अनुदान पर औषधि उपलब्ध कराई जाती है। पतंजलि योगपीठ में प्रतिदिन हजारों रोगियों को पत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल के माध्यम से निशुल्क यौगिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श दिया जाता है। 24 सलाहकारों की एक टीम प्रतिदिन प्रातः 6 से रात 10 बजे तक देश विदेश के विभिन्न स्थानों से टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का चिकित्सकीय समाधान करती है। पतंजलि योगपीठ में आधुनिक चिकित्सकीय मानदंडों के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित उपचार करने के लिए रोग परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ की पैथोलॉजी लैब और स्वचालित कंप्यूटराइज्ड रोग विज्ञान प्रयोगशाला सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण प्रणाली से सुसज्जित हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन एवं एक्सरे मशीन द्वारा शोध की भी सुविधा है। यहाँ के पंचकर्म चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र में स्वामी जी के परम सहयोगी आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण आयुर्वेद, पंचकर्म व षटकर्म को नया सोपान प्रदान किया जा रहा है। पतंजलि योगपीठ में आधुनिक माध्यम से शल्य चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा और दंत चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध है। पतंजलि योगपीठ परिसर में विशाल सभागार है, जिसमें लगभग 1000 लोग यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक घंटे के अंतराल पर निशुल्क योग कक्षाएं संचालित की जाती हैं। योग, प्राणायाम, शोध कार्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश के वैज्ञानिकों की सलाहकार समिति गठित की गई है। रिसर्च सेंटर पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर साइकोफिजियोलॉजी, सेंटर फॉर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, सेंटर फॉर साइकोसोमेटिक मेडिसिन एंड रिसर्च, सेंटर फॉर योग एजुकेशन पब्लिकेशन एंड ट्रेनिंग, सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज, सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन और सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ। पतंजलि योगपीठ में रोगियों के लिए वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित आवास की भी सुविधा उपलब्ध है। पतंजलि योगपीठ के इस विशाल परिसर में नित्य यज्ञ आहुति के लिए यज्ञशाला है, पुस्तकालय, वाचनालय, साइबर कैफे और इंटरनेट। यहाँ आने वाले लोगों के लिए पुस्तकालय, वाचनालय के साथ ही साइबर कैफे और इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अन्नपूर्णा में शुद्ध, पौष्टिक और सात्विक आहार उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। यहाँ के पतंजलि औषधि उद्यान एवं कृषि अनुसंधान विभाग अर्थात दिव्य नर्सरी में पौधों की खेती एवं उन पर वैज्ञानिक शोध का कार्य किया जाता है। औषधीय पौधों के अनुसंधान के लिए नर्सरी में ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस व पॉली हाउस की स्थापना की गई है। यहाँ हिमालय सहित देश के समस्त भागों से प्राप्त दुर्लभ औषधीय पौधों को विलुप्त होने से बचाने तथा उन्हें शोध कार्य और उपचार के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोपा गया है। साथ ही इन औषधीय पौधों की वंश वृद्धि की जा रही है। पतंजलि योगपीठ द्वारा बड़े पैमाने पर पारंपरिक फसलों एवं औषधीय पौधों की उच्च तकनीकी से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। गाय के गोबर से
वर्मी कंपोस्ट विधि से खाद का निर्माण किया जाता है। साथ ही दिव्य फार्मेसी में औषधियों के निर्माण से प्राप्त होने वाले बाई प्रोडक्ट्स को नेपेड विधि से उच्च श्रेणी खाद में बदला जाता है, जिसका प्रयोग कृषि में होता है। ऋषियों के प्राचीन ज्ञान एवं अत्याधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के समन्वय से उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के लिए विशालकाय दिव्य फार्मेसी की स्थापना की गई है। ये इकाई ISO 9001:2000, ISO 9001:14001, 8001, WHO, GMP, GPP, GLP प्रमाणित देश की विशालतम आयुर्वेद औषधि निर्माण इकाइयों में एक है। पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र स्थित अत्याधुनिक संयंत्रों से युक्त औद्योगिक इकाई है। इस औद्योगिक इकाई को शुद्ध गुणवत्ता युक्त एवं वैज्ञानिक रूप से विकसित खनिज एवं वानस्पतिक उत्पादों के निर्माण हेतु स्थापित किया गया है। इस इकाई को अत्याधुनिक सेवाओं एवं संसाधनों के लिए ISO 9001, ISO 1800, WHO, GMP, GPP, GLP आदि प्रमाण पत्र प्राप्त हैं। यहाँ औषधियों के साथ साथ उपलब्ध है स्वास्थ्य वर्धक आयुर्वेदिक उत्पाद, जो है सुबह से शाम हर पल आपके साथ, जैसे च्यवनप्राश, आंवला से बने उत्पाद, विभिन्न प्रकार के चूर्ण, मुरब्बा, कैंडी, दिव्य पेय, दंत मंजन, तेल, साबुन, दलिया, आरोग्य आटा आदि। पतंजलि योगपीठ के विशेष निर्माण कार्यों में से एक है योग ग्राम, जिसे प्रकृति की सुरम्य गोद में बसाया गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इको फ्रेंडली योग ग्राम में लंबे अंतराल तक साधक गण योग, ध्यान, पंचकर्म और षटकर्म का लाभ लेते हैं। साथ में उन्हें प्राप्त होती है प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं। पतंजलि औषधि उद्यान के समीप ही है गौशाला, जहां करीब 60 गायों की सेवा की जाती है, और इसके अतिरिक्त पतंजलि योगपीठ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर शांतर शाह ग्राम में लगभग 100 गायों का पालन पोषण किया जाता है। यहां कई नस्लों की गायें हैं, जिनमें हरियाणवी, साहिवाल और गुजराती नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इन दोनों गौशालाओं से प्राप्त पंचगव्य का उपयोग फार्मेसी में निर्मित दवाओं में किया जाता है। पतंजलि योगपीठ के उद्देश्यों, दर्शन व गतिविधियों पर आधारित भारतीय प्राच्य विधाओं जैसे योग, आयुर्वेद, संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र प्रेम और औषधीय पादप तथा पंचगव्य आदि विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी तथा देश